नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आप भी अपने हाथों को मजबूत और ताकतवर बनाना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि अगर आप किसी के एक पंच मार दो तो फिर वो दोबारा ना उठ सके? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आज की ये वीडियो ख़ास तौर से आपके लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव है अपने हाथों को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस एक्सरसाइज को मात्र 7 दिनों तक करते हो तो आपके हाथ जो हैं वो इतने ताकतवर और इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप खुद महसूस कर सकोगे अपने हाथों की पावर को। और आज के बाद जब भी आप किसी को अगर एक भी पंच मार दोगे तो फिर वो दोबारा नहीं उठ पाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हो कौन सी एक्सरसाइज है, उसे किस प्रकार से आपको करना है, तो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो आपको एक ये चादर ले लेनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इससे लंबी भी चादर ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको एक बाल्टी में पानी ले लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, इसको देखिएगा, आपको इस चादर को ले करके इसमें पूरा तरीके से आपको इसे भिगो लेना है। जी हाँ, देख सकते हैं, ये मैंने इसको इसमें भिगो लिया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसे भिगो लेना है। इसके बाद अब आपको क्या करना है कि एक ये कीला, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर एक ये कीला लगा हुआ है, ऐसा आपको एंगल ढूंढ लेना है या फिर एक खूंटी ढूंढ लेनी है जिसमें आप इसको चादर को आसानी से फंसा सकें, ठीक है। तो इसमें देखिए, मैं इसको फंसा देता हूँ। जी हाँ, देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको इसे फंसा देना है चादर को, ठीक। अब आपको क्या करना है, अपने हाथों को मजबूत बनाने के लिए आपको इसे कुछ इस प्रकार से घुमाना है। जी हाँ, इसे रोटेट करना है। जब आप इसे रोटेट करेंगे तो इसमें जो पानी भरा हुआ है वो देखिए इसमें निचोड़ना शुरू हो गया। और अब आप देख सकते हैं, जब ये ऐठने लगता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब ये जो कपड़ा है वो ऐठ रहा है, तो इससे हमारे हाथों पर, यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे जो ये हाथ की मसल्स हैं इनमें काफ़ी प्रेशर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जितना ही आप इसको ऐठेंगे, जितना ही ये छोटा होगा, उतना ही प्रेशर आपके हाथ में पड़ेगा। और इसे आपको बिल्कुल पूरा इस प्रकार से निचोड़ देना है, ठीक है। ऐसा करने से आपके हाथ काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। जब आप एक बार इसका पानी पूरा निचोड़ दें तो फिर से आप इसको क्या करें, निकाल करके वापस से भिगो लें। जी हाँ, इसी प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। ऐसा आपको कम से कम 10 से 15 मिनट करना है रोज़ाना। ऐसा करने से आपके जो हाथ हैं वो 7 दिन में ही काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और मजबूत हो जाएंगे। जी हाँ, जब आप इसको रोटेट करते हैं तो इससे आपकी जो हाथ की मसल्स हैं उनमें काफ़ी प्रेशर पड़ता है। जी हाँ, आप देखिए, जब ये काफ़ी जब टाइट होने लगता है तो आपके हाथों में बहुत ही ज़बरदस्त प्रेशर पड़ता है। और इसको आपको बिल्कुल पूरा निचोड़ देना है, ये नहीं कि आप इसको आधे पे ही छोड़ दें, इसको आपको पूरा निचोड़ देना है कुछ इस प्रकार से। इसी प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज करनी है।